हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, फाइनली हम MIS यूनिट थर्ड के ऊपर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MBA सेकेंड सेमेस्टर के अंदर यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट और सेकेंड का ऑलरेडी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं पहले ही वीडियो लेक्चर के अंदर, तो आप सभी देख सकते हो जाकर के। फिलहाल यूनिट थर्ड में हम लोग दोस्तों बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको दोस्तों आप शॉर्ट में DBMS बोल सकते हो। इसके बारे में देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे यूनिट थर्ड में। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर यूनिट थर्ड के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको, मेनली जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो आपका बात आती है यूनिट थर्ड के अंदर, दैट इज डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? तो पहले हम बात करते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? जैसे कि डेटा का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। जो भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटा हो जाता है। कोई भी हमारा सेल्स हुआ, कोई भी हमने परचेज किया, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो सब हमारा जो भी हिस्टोरिकल होता है, यानी कि हिस्ट्री में जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स करे होते हैं, वो सभी हमारा क्या हो गया कि डेटा, यानी उसी को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। उसी का मैनेजमेंट करना। तो यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट का करने का सिंपल सा मतलब क्या समझ लो कि मैनेजिंग डेटा रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आपके पास में डेटा के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका आप प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करते हो। यानी जितना भी आपके पास में रॉ डेटा पड़ा होता है, कि पहले का पुराना जो भी डेटा पड़ा होता है, उसको आप प्रॉपर तरीके से टेबल्स बना करके, चार्ट्स बना करके, उसको अगर आप प्रॉपर सही तरीके से मैनेज करते हो, ठीक है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको सही तरीके से देख सको, तो वही क्या हो गया, डेटा रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, डेटा मैनेजमेंट के अंदर आपके अलग अलग तरीके की चीज़ें आती है, जैसे कि कलेक्टिंग करना, यानी सर्वे वगैरह हम करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसको स्टोर करते हैं, उसका ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसके बाद में सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग, ठीक है। यानी कि ये हम पांच चीज़ें करते हैं। जब भी अगर आप डेटा मैनेजमेंट की जब भी बात आएगी तो आप पांच चीज़ों को ध्यान रखोगे, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग डेटा इन अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है। किस तरीके से? सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ये डिफिनेशन आप याद कर लो, डेटा मैनेजमेंट की डिफिनेशन दो नंबर में भी आ सकती है या फिर इसके बारे में आपसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर नीड क्या है, डेटा मैनेजमेंट की क्या नीड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीड होती है भाई। अगर हमको समय पे जब चाहिए होगा डेटा तो वो हमको बता देगा, इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये हमारे काम को आसान कर देता है। तो डेटा का कलेक्शन करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिक्योर यानी सिक्योरिटी के लिए, और मेंटेनिंग यानी कि क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की नीड्स जो भी है उन सभी नीड्स को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो डेटा मैनेजमेंट के अंदर ये सारे आपके पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, क्वालिटी, इन सभी की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट के कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जो भी डेटा होता है उसके पूरे लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट करना, कि क्या हमारे पास में क्या पास्ट डेटा है, किस तरीके से उसको हमने पूरा लाइफ साइकिल का क्या मतलब हो गया कि हमने जब से हमने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट करना, उसका प्रोसेसिंग करना, फिर जब हमारे पास में जब हमारे काम का कोई भी डेटा नहीं बचता है, यानी कि हमारे लिए जैसे आप देखते होगे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओ तो चलो आपको महीने, दो महीने, एक साल पुराने आपके पेशेंट्स की फाइल आपको दिख जाएगी, बट अगर कोई बोलेगा कि हमको 10 साल पुराना चाहिए, है ना, कोई 10 साल पहले आया होगा, तो उसका मे भी आपको नहीं मिले। तो यानी कि वो सभी चीज़ें डिलीट कर दी जाती है, उसको जब जो ज़रूरत की चीज़ नहीं उसको आप डिलीट कर दोगे ना, जैसे हम अपने मोबाइल वगैरह से फ़ोटोज़ को खींचते हैं, क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं 10 बार, उसके बाद में जब हमारा मन भर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, या फिर उसको हम कहीं पर सेव कर लेते हैं। तो यानी कि एक तरीके का हमारा पूरा लाइफ साइकिल डेटा जो है उसका हमको प्रॉपर लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट करने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये मेन चैलेंज होता है। देन डेटा की क्वालिटी, ज़रूरी नहीं है कि डेटा की जैसी क्वालिटी हो वैसी ही बनी रहे, ठीक है। और सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, मे बी जो आपका डेटा है वो हैक कर लिया जाए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपका डेटा है वो लॉस होने के चांसेस, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी डेटा है वो डिलीट हो गया, तो इस सभी चीज़ों का भी रिस्क होता है। और डेटा वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का मतलब कि बहुत सारा डेटा होता है, तो बहुत ज़्यादा डेटा को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो यहाँ पर ये चार चीज़ें बताई गई हैं कि चैलेंजेस क्या डेटा मैनेजमेंट के। अब हम लोग यहां पर फाइनली बात करते हैं DBMS। DBMS जो है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म यहां पर मान लो आप कि क्या है, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये आप ध्यान रखिएगा, कि जो DBMS है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स की हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? यूजर्स की। जैसे कि मान लो कि मैं यूजर हूं, आप यूजर हो, हमारी आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है।
कैसे हेल्प कर रहा है, टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। अब जैसे देखो, मान लो कि हमारा डेटाबेस का क्या मतलब हुआ, डेटाबेस का मतलब वही हो गया कि जहाँ हमारा डेटा स्टोर होता है। सपोज दैट कि हमारा कहीं पर बैंक अकाउंट है, तो अब बैंक अकाउंट है तो हमारा जो भी डेटा होगा वो सभी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, किसी ना किसी बैंक के अंदर स्टोर होगा, और बैंक के डेटाबेस के अंदर यानी कि कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा कि हमारा नाम पता, हमारा बैंक डिटेल्स क्या, हमने ट्रांजेक्शन्स किया, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। वही क्या हो गया दोस्तों, डेटाबेस। ठीक है, तो हमारी हेल्प करता है यानी कि यूज़र की हेल्प करता है। जैसे इसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि बैंकिंग का, हम ऑनलाइन बैंकिंग को करते हैं तो हमारी हेल्प करता है डेटाबेस। क्या करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, हमारी हेल्प करता है कि जब हमको ऑनलाइन तरीके से जब हमको अपनी पास्ट ट्रांजेक्शन देखनी होती है, कोई भी नई पेमेंट करनी होती है, तो हम उस डेटाबेस की हेल्प से यानी कि जो भी डेटाबेस हमारा जो सेव है उस तक की हम पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, अपना हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड किया और जहाँ पर भी हमारा डेटा सेव है वो हमारे सामने आ जाएगा उसके थ्रू, यानी कि हम इंट्रैक्ट कर पाएंगे। यूज़र क्या कर पाएगा, अपने डेटाबेस के साथ में इंट्रैक्ट कर पाएगा, आगे की पेमेंट्स कर सकता है और जो भी उसको कुछ भी करना हो, जो भी आगे के उसके ऑपरेशंस होते हैं वो सभी कर सकता है। तो इट अलाउ यूज़र्स टू क्रिएट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा जो भी बैंक अकाउंट है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नया कुछ क्रिएट करा, मान लो हमने नई प्रोसेस करी, हमने कोई नया पेमेंट किया, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइज किया और उसमें कुछ हमने मेक चेंजेस यानी एडिटिंग वगैरह, मान लो हम कहीं पर हमारा घर का पता चेंज हो गया तो हमने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स में अपना भी घर का पता चेंज कर दिया, तो मैनेज डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो यही हो गया हमारा DBMS। सो इसका यहीं पर एक एग्जांपल दिया गया है, कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, MySQL, Oracle, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट SS, एक्सेट्रा, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं DBMS के। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आपका रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है, जैसे जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं सेव होता है, हमारा नाम पता, हमारे ट्रांजेक्शन्स, पास ट्रांजेक्शन्स, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये सभी कहीं ना कहीं तो सेव होता ही होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड करते हैं, लॉगिन करते हैं और हम क्या कर सकते हैं DBMS की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने यानी कि यूज़र एक क्या कर सकता है, अपने डेटा तक पहुंच सकता है और आगे की पेमेंट्स कर सकता है, अपने पास्ट डेटा की हिस्ट्री वगैरह को देख सकता है। तो यही मेनली काम होता है DBMS का, यानी कि वो है एक यूज़र की हेल्प करता है। DBMS क्या करता है, एक यूज़र की हेल्प करता है, ये एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक यूज़र की हेल्प करता है कि वो अपने डेटा तक पहुंच सके, वो जो भी जहां पर भी उसका डेटा स्टोर है वहां तक वो पहुंच करके आगे के प्रोसेस और आगे के ऑपरेशंस वगैरह कर सके। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके यहां पर कुछ एक फीचर्स या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, इसमें हम डेटा का बैकअप रिकवरी कर सकते हैं, डेटा की इंटीग्रिटी का मतलब आप मैनेज कर सकते हो, जो भी मर्ज वगैरह कर सकते हो, कि इसमें जो भी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग कि आपने कई बार ट्रांजेक्शन किया, कई बार देखा, तो उसका इंटीग्रिटी यानी इंटीग्रिटी एक तरीके का आपका इंटीग्रिटी फॉर्म में आप देखते होगे कि आपने ट्रांजेक्शन्स कई करे हैं लेकिन वहाँ पर आपको जो भी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री पूरी आपके सामने पेज फॉर्म में खुल करके आ जाता है। तो ठीक है, तो ये हो गया डेटा की इंटीग्रिटी, देन डेटा की सिक्योरिटी, ये सभी इसके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए यानी फीचर्स मान लो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही हो गए, यानी यूज़र का मैनेजमेंट करना, बैकअप एंड रिकवरी, डेटा की सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, आई होप ये सब आप लोग लिख लोगे, ये सब सारी चीज़ें, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। और फिर वहीं अगर हम DBMS की कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर चैलेंजेस की बात करें तो उसमें एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉस्ट आती है सॉफ्टवेयर को बनाने में, डेवलप करने में कॉस्ट आती है, थोड़ा सा रिस्क होता है कि कहीं एक जो यूज़र उसका डेटा लीक ना हो जाए, कहीं डेटा डिलीट ना हो जाए, कहीं डेटा हैक ना हो जाए, इन सभी का थोड़ा सा रिस्क होता है। और बैकअप और रिकवरी का भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि मान लो कि एक बार डेटा डिलीट हो गया तो अब हम उसको प्रॉपर बैकअप कर रहे हैं, उसका बैकअप ले रहे हैं या फिर रिकवरी कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ एक चैलेंजेस होते हैं या फिर आप इसके डिसएडवांटेजेस मान लो। अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ DBMS। तो DBMS के टाइप्स की हम बात करें तो मेनली यहां पर आपके चार टाइप यहाँ पर बताए गए हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद कुछ नहीं करना है, बट आपको यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि DBMS के जब भी टाइप्स पूछे जाएं तो आप इनके नाम बस ध्यान रखो, नाम को क्या करना है, नाम को ध्यान रखना है, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसके अंदर आपको लिखना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हायरार्किकल के अंदर क्या होता है कि इट्स लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्री लाइक
स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की तरीके उसमें एक पेड़ एक ही होता है और ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं। तो यानी कि पेरेंट्स, जैसे कि यहाँ पर पेरेंट्स चिल्ड्रन का रिलेशनशिप होता है, जैसे पेरेंट हो गया, पेरेंट तो एक ही है, उसके बच्चे अनेक हैं, बट जो बच्चे हैं उनका पेरेंट एक है, ठीक है। जो पेरेंट है, पेरेंट के बहुत सारे बच्चे हैं, बट जो बच्चे हैं उनका केवल एक ही पेरेंट है। तो ये हायरार्किकल डेटाबेस हो गया, यानी कि जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं जो एक मैनेजर होता है वो मेनली क्या होता है, वो एक होता है, ठीक है, और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो बहुत सारे हो गए, बट जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजर केवल एक ही होता है, ठीक है। देन नेटवर्क डेटाबेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो पावर होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अलग अलग, यू नो कि अलग अलग, जैसे कि ऑपरेशन मैनेजर अलग है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग हो गया, क्वालिटी मैनेजर अलग हो गया, तो अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग बच्चे, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स हो, बहुत सारे बच्चे हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क डेटाबेस। देन रिलेशनल के अंदर क्या आता है, रिलेशनल के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को प्रॉपर रो और टेबल्स के फॉर्म में, कॉलम्स के फॉर्म में सेव करके रखते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप मेनली यहाँ पर चार टाइप्स हैं, चार टाइपों का आप नाम ध्यान रखो DBMS के अंदर कौन कौन से टाइप्स यूज़ होते हैं। देन इसके बाद में अब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ आते हैं, फाइल, रिकॉर्ड्स, टेबल, इतना आपको नहीं करना है फिलहाल। अब यहाँ पर जो एक मेन चीज़ आ गई वो है आपकी, तो ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जैसे 3 tiers आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। ये दोस्तों आप इस डायग्राम को अच्छे से प्रॉपर तरीके से अच्छे से ध्यान रख लेना, याद कर लेना, एकदम अपने दिमाग में छाप करके जाना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मतलब आपका जो भी पूरा बेस है DBMS का वो पूरा छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर देखो डेटाबेस जैसा आप जानते हो कि हमारा डेटा जो होता है कहीं ना कहीं पर स्टोर होता है, ये हमारा क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, यानी कि हमारे बारे में जो भी होता है, जैसे हमारा नेम हो गया, हमारा फ़ोन नंबर हो गया, हमारी बैंक डिटेल्स हो गई, हमारा अकाउंट नंबर हो गया, जैसे हम अगर बैंकिंग के फॉर्म में बात करें, बैंक टर्म में, तो हमारा जो भी नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है, एड्रेस हो गया, कितना अकाउंट में बैलेंस है, ये सभी चीज़ें हमारी डेटाबेस के अंदर सेव रहती है। देन फिज़िकल स्कीमा आता है, फिज़िकल स्कीमा के अंदर क्या होता है दोस्तों, फिज़िकल स्कीमा के अंदर वही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स, जैसे हम देखते हैं ना कि हम कहीं पर से, फिज़िकल स्कीमा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, फिज़िकल लेयर, यानी कि हमारा जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं सेव होता है। जैसे देखो डेटाबेस तो एक ही हो गया, ठीक है, फिज़िकल स्कीमा का मतलब वो हो गया, जैसे जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, PDF हो, सॉरी वो उसको जो बोलते हैं हम लोग, एक क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड बोलते हैं उसको, एक कार्ड रीडर होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, पेन ड्राइव होती है। तो यानी कि फिज़िकल स्कीमा के अंदर वो सारी चीज़ें जिसमें जो हमारा डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है, वो फिज़िकल स्कीमा हो गया। यानी कि जैसे हम देखते हैं ना हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर जो चीज़ होगी वो क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, ठीक है। बट हमारा अगर फिज़िकल स्कीमा की बात करें तो वो हमारा जो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, CD DVD है ना, और इसके साथ में जो भी हमारा पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें फिजिकल स्कीमा। देन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा को क्या करता है, प्रॉपर मैनेज करता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर कॉन्सेप्चुअल लेयर आती है, जो कि एक, जैसे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या हो गया, एक मान लो यूज़र है, तो यूज़र क्या करेगा, हम अपनी जैसे बैंक डिटेल्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बैंक डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अपना नेम हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी मैनेज कर सकता होगा, जो भी आपका मैनेज करने वाला होगा कि नेम, फ़ोन नंबर, जो भी मैनेज कर रहा है, प्रॉपर रोज बना रहा है, कॉलम्स बना रहा है, अकाउंट नंबर को अपडेट कर रहा है, सॉरी अकाउंट में कितना बैलेंस उसको अपडेट कर रहा है, ये सभी चीज़ें जो भी आदमी करता है उसको हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोलते हैं। देन इसके बाद में हमारे व्यूज आते हैं, जैसे View 1, View 2, View 3। अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे एंड यूजर्स हो गए। एंड यूजर्स का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट को केवल उतना ही, जैसे ERP पे अगर कोई स्टूडेंट काम करेगा तो उसको अपनी अटेंडेंस, अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर, कितने उसके अब्सेंट हैं, कितना उसका प्रोग्रेस चल रहा है, ये सारी चीज़ें, उसने कितनी क्लासेस अटेंड करी, एक स्टूडेंट को केवल उतना ही दिखेगा, ठीक है। वहीं अगर फैकल्टी हो गया तो फैकल्टी को क्या दिखेगा, ज़्यादा सारा दिखेगा, यानी कि उसको स्टूडेंट्स का भी डेटा दिखेगा, अपना अपने भी बारे में दिखेगा, तो ये हो गया फैकल्टी का। और मान लो कि ये जो डायरेक्टर है पूरे स्कूल का, कॉलेज का, इसको पूरा दिखेगा,
चाहे वो स्टूडेंट का डिटेल्स हो, चाहे वो फैकल्टी की जो भी डिटेल्स हैं, उन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है जो एक डायरेक्टर होता है। तो यानी कि जो ये हमारे व्यूज़ वगैरह हो गया, व्यू का मतलब कि हम प्रॉपर एक तरीके से व्यूज़ को बांट देते कि कौन व्यक्ति कितना देख पाएगा। जैसे कि हमने मान लो इसका एक और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन किया, जैसे मान लो हम अगर किसी भी चीज़ को फ्री में चला रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, व्यू वन। हम अगर किसी वेबसाइट पर गए, अगर हम उसको फ्री में देख रहे हैं तो वो हमारे लिए व्यू वन हो गई, ठीक है। जब हमने उसका उसमें क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसमें उसका प्राइम ले लिया, जैसे हमने हॉट स्टार है, डिज्नी प्लस हॉट स्टार वगैरह, जब हमने उसका प्राइम ले लिया तो हमको थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिखने लगागा, है ना, वो हमारा क्या होगा, व्यू टू। और जब हमारा व्यू थ्री क्या हो गया, जब हमको यानी कि जब जो भी व्यक्ति उसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको और भी ज़्यादा दिखेगा, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, तो वो व्यू थ्री हो गया। यानी कि अलग अलग व्यूज़ होते हैं और पार्टिकुलर व्यूज़ को बांट दिया जाता है कि कौन से व्यक्ति को कितना दिखना चाहिए, कितना दिखेगा, ये सभी चीज़ें व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, इस आप डायग्राम को अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। एक बार मैं आपको फिर से इसको सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल दे करके, जिससे आपको याद बना रहे। मतलब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस जगह एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया गया है। मान लो कि आप भी यूट्यूब यूज़ करते हो, हम भी यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन टीयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन टीयर जो आपका वही एंड यूज़र वाला व्यू था, ये सबसे पहला, यानी कि व्यू वन, व्यू टू, व्यू थ्री, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पर ये चीज़ बताया गया, फिजिकल, ये चीज़ बताया गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं फिजिकल टीयर के अंदर, सॉरी प्रेजेंटेशन टीयर के अंदर क्या होता है कि जो एक यूज़र हो सकता है वो क्या देख सकता है, यूट्यूब के अंदर जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को देखना, प्रॉपर वेबसाइट को देखना या फिर ऐप के बारे में देखना। जैसे हमने कोई अपना नया फ़ोन लेकर क्या, हमने क्या किया, डायरेक्ट यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, उसमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आने लगे, देखने लगे हम वीडियोज़ को, वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन टीयर, एप्लीकेशन टीयर का मतलब जो प्रॉपर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा, ठीक है, यूज़ आप भी कर रहे हो, बट यूज़ का करने का मतलब कि आप वीडियोस देखने के लिए कर रहे हो और एक जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर मैनेज करेगा, यानी कि उसके ऊपर वीडियोस को अपलोड करना, यानी बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन्स यानी कि उसके पीछे क्या चल रहा है। जैसे कि अब मैं हो गया हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसमें जो भी अपलोडिंग करता हूँ, उसमें जो भी थंबनेल लगाना, उसमें जो भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन टैग्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना, ये क्या होगा, बिहाइंड द सीन, ठीक है। उसमें जैसे कि अपलोड करना, वीडियोज़ को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन टीयर के अंदर आ गई, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्चुअल, यानी यहाँ पर मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस जगह काम कर रहे हो, और जो जिसने व्यक्ति ने वीडियो को अपलोड करता है, जो भी व्यक्ति वीडियोस अपलोड करते हैं या फिर जो भी मेक चेंजेस यानी कि चेंजेस करते हैं, यानी कि वीडियोस को अपलोड करना, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, ये सब लगाना, वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। एंड देन फिजिकल स्कीमा में क्या हो गया, जो यूट्यूब का असली कि जो असली उसका मालिक हो गया, या फिर देखा जाए तो जो डेटा टीयर, जहाँ पर हम सभी की इन्फॉर्मेशन सेव होती है, जहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करी तो वो कहीं ना कहीं तो सेव होगी, है ना, इंटरनेट में ही सही भले बट वो कहीं ना कहीं तो सेव होगी, है ना। तो यानी कि डेटा कहीं, जो हमारा डेटा जो प्रॉपर तरीके से स्टोर रहता है, हमारी वीडियोज़ कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखी जाती होंगी ना, तभी तो सभी लोग चला सकते हैं। तो वो क्या हो गया, डेटा टीयर, यानी कि जो हमारी डेटा टीयर के अंदर क्या चीज़ आ गई कि प्रॉपर जो भी वीडियोज़ को प्रॉपर मैनेज करना, उसको स्टोर करके रखना, वो फिजिकल स्कीमा यानी डेटा बेस के अंदर आ गया, ठीक है। तो आप इसका ऐसे इस तरीके से आप डायग्राम बना करके इस तरीके का एग्जाम्पल लिख सकते हो, या फिर आप इसमें ये भी एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि आप अपने किसी स्कूल कॉलेज वाला भी बता सकते हो। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो फिजिकल लेयर, फिजिकल लेवल के अंदर क्या हो गया, फिजिकल स्कीमा के अंदर बात आती है हमारी कि जिसमें जैसे जो भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जैसे कि डिस्क हो गया, हमारे टैप्स हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद में कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर आपके, जैसे हमने बताया ना कि स्टूडेंट जो होता है वो अपने डेटा को मैनेज कर, जो भी कॉन्सेप्चुअल लेवल्स के अंदर क्या हो गया कि जो भी कि जो भी यूज़र है वो अपने डेटा को प्रॉपर मैनेज कर सकता है, अपने अटेंडेंस वगैरह को मार्क करना, देखना, वो ये सभी फैकल्टीज़ जो काम करते हैं, जैसे स्टूडेंट है, डेटाबेस में कंटेंस, स्टूडेंट और कोर्स टेबल्स, ठीक है, इसमें देखना कि कॉन्सेप्चुअल्स के अंदर क्या होता है, सकता है कि हम अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हैं और अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, अपना नेम को चेंज कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर को चेंज कर सकते हैं, ये हो गया कॉन्सेप्चुअल। एंड देन एक्सटर्नल लेवल के अंदर क्या होता है कि
एक्सटर्नल लेवल के अंदर जो भी हमारा व्यू पॉइंट हो गया, जैसे कि जो जिसको दिखता है, जैसे अगर हमने मान लो कि कोई भी चेंज किया या फिर हमारी फैकल्टी ने हमारी अटेंडेंस मार्क तक मार्क करी, तो वो हमको भी दिखेगी और यानी कि सभी लोगों को जो दिखती है, जो भी हमारा एक्सटर्नल लेवल हो गया। एक्सटर्नल लेवल का मतलब यही जो हमारे व्यूज़ हो गए यहाँ पर से, जो भी यहाँ पर से चेंजेस किए जाएंगे, मान लो हमने अपना एड्रेस चेंज किया तो वो यहाँ पर से प्रॉपर दिखने लगेगा। ये क्या हो गया कि व्यू लेवल एक्सटर्नल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, थ्री टीयर्स आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग दोस्तों हम बात करते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, डेटा इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो डेटा इंडिपेंडेंस का जो सिंपल सा आप डेफिनेशन है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो डेटा इंडिपेंडेंस है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एबिलिटी टू मॉडिफाई फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। अभी नहीं समझ में आया होगा बट अभी समझ में आ जाएगा, विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशंस दैट यूज इट, ठीक है। इतना अगर आप लाइन लिख लेते हो यही इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका क्या मतलब हुआ है, डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेटा, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे दो तरीके के हमने जैसे डेटा को देखा यहाँ पर कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जहां पर जैसे ये अभी हम लोगों ने देखा है ना डायग्राम के अंदर, हम लोगों ने क्या देखा यहां पर, ये देखा जैसे कि ये दो हम लोगों ने चीज़ें देखी, कॉन्सेप्चुअल जिसमें हमारा इसको हम लोग लॉजिकल भी बोल सकते हैं और फिजिकल, ठीक है, फिजिकल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंज करते हैं, सपोज दैट कि अगर हमने अपना हमने एक मान लो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, तो मान लो कि जो यूट्यूब के जो भी मैनेज करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी यूट्यूब को क्रिएटर्स हैं, जो भी अलग अलग तरीके के हैं, मान लो कि उन्होंने एक नया कोई फीचर ऐड किया, मान लो जैसे कि यूट्यूब के अंदर अभी तक क्या हो सकता था, केवल वीडियोज को अपलोड किया जा सकता था, बट अब आप क्या कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को भी आप कर सकते हो उसी समय के साथ में, तो यानी उन्होंने एक नया फीचर ऐड तो कर दिया, तो उस वो क्या हो रहा है कि फीचर नया ऐड हो गया, बट उसने जो उस फीचर ने लाइव स्ट्रीमिंग के फीचर ने क्या किया, कोई भी पुरानी चीज को अफेक्ट नहीं किया, ठीक है, बिना किसी इफेक्ट के पुरानी तरीके से जैसे यूजर है वो पहले से जैसे जो भी चीजें देख रहा है वो देख रहा है अपना, है ना, जिस भी तरीके से जो यूजर्स हैं जिन्होंने प्राइम लिया है, जो फ्री में देख रहे हैं यूट्यूब को, वो अपना आराम से देख रहे हैं, ठीक है। और जो लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर है वो एकदम नया है, लेटेस्ट आया, तो पहले जैसा भी बना हुआ है और नया जो फीचर है उसमें भी ऐड ऑन कर दिया, तो वो जो यूज़र्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग का भी आनंद ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ में वो अपने वीडियोज़ वगैरह को भी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि हमने एक चेंज तो किया, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिकल लेवल पर एक चेंज तो हुआ, बट चेंज ने किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया, जो भी चेंज हुआ वो चेंज केवल लॉजिकल लेवल यानी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही, कॉन्सेप्चुअल लेयर के अंदर ही था, ठीक है। उस चेंज की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ना यूजर इफेक्ट हुआ, जो ना ही जो हमारा डेटाबेस है वो इफेक्ट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक चीज बताई गई, फिजिकल स्कीमा, फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को चेंज करते हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करी और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद में हमने सेम वीडियो को क्या किया, अपने मोबाइल के अंदर कॉपी कर लिया, या हमने इस PPT को बनाया, मान लो कि यहाँ पर ये बहुत एक PPT आप देख रहे हो, यहाँ पर मान लो कि इस तरीके से हमने PPT वगैरह बनाई है और इस PPT को बना करके ये क्या किया मैंने कि अपने मोबाइल के अंदर इस PPT को क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है, यानी कि एक जगह से कॉपी करके हमने दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या ऐसा होगा कि मान लो कि PPT के जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सारी गड़बड़ हो जाएं, या फिर जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं वो इधर उधर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा ना। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको लैपटॉप में दिख रही हैं वही हमारे फ़ोन में, अगर हम इसको कॉपी कर लेंगे सेम PPT को, तो वो भी हम उसमें फ़ोन में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिजिकल स्कीमा, यानी कि हमने चेंज तो किया, यानी स्टोरेज डिवाइस है उसको तो चेंज किया। फिजिकल स्कीमा का मतलब क्या होगा कि हार्ड डिस्क से हमने PDF में ले लिया, हार्ड डिस्क से हमने किसी भी पेन ड्राइव में ले लिया, मेमोरी कार्ड में ले लिया, या मेमोरी कार्ड से हमने हार्ड डिस्क में भेज दिया, SSD में भेज दिया। तो ये क्या हुआ, फिजिकल स्कीमा तो उसका चेंज हुआ, यानी फिजिकल यानी कि वो क्या हुआ कि हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में या फिर
कार्ड रीडर में इस तरीके से वो उसकी फिजिकल लोकेशन तो चेंज हो गई, बट उसके अंदर जो भी मैटर था, जो भी पीडीएफ के अंदर आप देख रहे हो, वो चीज़ चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप कि आप इसको अपने हिसाब से रिलेट कर पाओगे। डेटा इंडिपेंडेंस का यही मतलब होता है कि जब भी हम कोई चेंज करते हैं, अब यहाँ पर देखो जो भी चीज़ें पढ़ो समझ में आएगी कि एबिलिटी टू मॉडिफाई, जब भी हम कोई भी चीज़ को चेंज करते हैं, जब भी हम किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन को करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल और लॉजिकल, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि फिजिकल और लॉजिकल, दो वर्ड्स यूज करे गए हैं, फिजिकल यहाँ पर और लॉजिकल ये वाला। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशंस दैट यूज इट, यानी कि बिना किसी जो भी जो यूजर्स है उसको किसी को अफेक्ट किए बना। मान लो कि हमने क्या किया, अपने जो भी डेटा था, हमने पीपीटी को अपना क्या किया कि अपना लैपटॉप से उठाया, फ़ोन के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब हम उसका फ़ोन में भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि हमने उसके फिजिकल लोकेशन को तो चेंज किया, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी चेंज नहीं, जो भी उसमें वहाँ पर जो भी सारी चीज़ें थी वो वैसे की वैसी एज इट इज़ है, जो भी पीपीटी के अंदर था वो एज इट इज़ है। तो इट अलाउ चेंजेस टू बी मेड इन वन लेयर ऑफ आर डेटाबेस, यानी कि केवल एक ही लेयर में डेटाबेस में चेंज होगा। ठीक है, बिना किसी दूसरे लेयर को अफेक्ट करे हुए, बिना किसी चीज़ को अफेक्ट करे हुए। यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। समझ में आ गया आपको, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जैसे मैंने बताया कि फिजिकल के अंदर क्या है कि फिजिकल हमने उसके क्या कर दिया कि फिजिकल लोकेशन चेंज कर दी, हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में ले लिया, पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में डाल दिया, SSD में डाल दिया। ये क्या हो गया कि केवल फिजिकल उसकी लोकेशन चेंज कर दी, जैसे स्टोरेज डिवाइस है ना उसको चेंज कर दिया, बट यहाँ पर कोई भी उसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो चेंज नहीं हुई। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हो गया कि हमने मान लो कि कोई भी नया फीचर ऐड किया, यहाँ पर वही चीज़ है कि कोई भी नया फीचर ऐड किया, जैसे एडिंग और मॉडिफाइंग न्यू फीचर, बट उसने क्या किया उस नए फीचर की वजह से कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं हुई। यहाँ पर वही YouTube का ही एग्जांपल दिया गया है, दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप भी इसको देख सकते हो और हम भी देख सकते हो। तो यहाँ पर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में देखो, जैसे कि अब बहुत सारा जो भी डेटा है, जो भी जैसे रोज़ रोज़ वीडियोस जाने कितने लोग अपलोड करते हैं YouTube के ऊपर, तो अब ज़रूरी तो है नहीं कि जो YouTube जिस तरीके से पुराने तरीके से ट्रेडिशनल वे में उसने स्टोरेज कहीं करके रखा होगा तो अभी भी उसी तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया होगा कि अपने स्टोरेज डिवाइस को चेंज किया होगा, उसने क्या किया होगा कि कहीं ना कहीं से जो भी हमारे वीडियोज़ हैं कहीं पहले पड़े होंगे तो अब उसको उठा करके दूसरी जगह कॉपी कर दिया गया होगा। तो इस तरीके से फिजिकल उसका लोकेशन तो चेंज किया गया, बट जो भी उसके यूजर्स हैं वो अभी भी आज के समय में वो जो भी यूजर्स हैं उसको आसानी से देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, बिना किसी चेंज के। इसी तरीके से लॉजिकल के अंदर क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि YouTube के अंदर एक नया लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर ऐड किया, मान लो हमने क्या किया, लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर ऐड कर दिया YouTube के अंदर, तो उस लाइव स्ट्रीमिंग के फीचर ने जो भी पुराने में चल रहा था कि लोग सर्च करते थे, लोग देखते थे वीडियो, वो उस सारी चीज़ों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। यही हो गया हमारा डेटा, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, सो अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, आप इसको बहुत ही सिंपल टर्म में समझो कि जो डेटा रिडंडेंसी होती है ये एक तरीके का ऐसा होता है कि डुप्लीकेट और रिपीटेटेड, यानी कि डुप्लीकेट डेटा या फिर रिपीटेटेड डेटा, सेम डेटा। ठीक है, यानी कि एक ही तरीके का डेटा जब कई बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, यानी कि सेम इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड मल्टीपल टाइम्स, सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स स्टोर हुई है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर डेटाबेस। जैसे अगर हम बात करें तो सपोज दैट कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सोचो, जैसे हम सपोज दैट डेटा एंट्री कर रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर, तो हमने क्या किया, अपना किसी भी जो भी हमारे पास में एक लिस्ट रखी हुई है, बहुत सारे लोगों की नेम है, फ़ोन नंबर है, जीमेल आईडी है, तो हमने क्या किया उसको सभी को एंटर करना स्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे, मान लो कि किसी व्यक्ति का गलती से दोबारा से हो गया है, दोबारा से हमने एंटर कर दिया, तो वो वही जो सेम सारी चीज़ें जो भी आदमी की होंगी कि वही जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो दोबारा से स्टोर जो हो जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति की दोबारा से स्टोर हमने कर दी, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या हम एक ऐसा वैलिडेशन लगा करके रखते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ भी लगा करके रखते हैं एमएस एक्सेल के अंदर कि अगर हमको कोई भी सेम डेटा होता तो वो रेड कलर से मार्क हो जाता है, हम ऐसे वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, या फिर
और भी अलग तरीके के चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेम डेटा को, जहाँ पर भी सेम डेटा होगा, सेम इन्फॉर्मेशन होगी, उन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रेड कलर से मार्क हो जाती है, वो अपने आप से मार्क हो जाती है, तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर रिडंडेंसी है, यानी कि यहाँ पर से रिडंडेंसी का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई, इससे हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। एक तो क्या होता है कि स्टोरेज फालतू स्टोरेज भर जाती है हमारी, इससे हमारी स्लो परफॉर्मेंस होती है। जब देखो बहुत ज़्यादा जैसे फ़ोन के अंदर डेटा आ जाता है, डुप्लीकेट वीडियो, डुप्लीकेट फोटोज अगर आप रखते हो, बहुत सारी एक जैसी फोटोज बहुत सारी आपने भर करके रखी हुई है, तो इससे क्या होती है, स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है आपके फोन की। इसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है, और डिफिकल्ट डेटा मेंटेनेंस, आपको प्रॉपर देखना पड़ता है, मैनेज करके रखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है बार बार, है ना। और हायर रिस्क ऑफ डेटा करप्शन, यानी इससे आपके जो भी रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका जो भी डेटा है वो में भी आपका लॉस हो जाए, आपका जो भी डेटा है वो में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो क्रैक होने के, यानी कि जहाँ पर भी डेटा सेव है वो मान लो कि उस बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ओवरलोड है, यानी कि कोई भी हमारे पास मान लो मेमोरी कार्ड है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमने ओवरलोड करके रखा हुआ है, तो कई बार होता है कि वो जो मेमोरी कार्ड होता है वो लैक, यानी कि क्रैक हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से पुअर परफॉर्मेंस भी होता है। तो ये यहाँ पर कुछ एक इफेक्ट्स बताए गए हैं डेटा रिडंडेंसी के। और यहाँ पर क्या है कि दोस्तों कुछ हम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं कि इस हमारी रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी ना हो, बार बार हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट तरीके से बार बार ना हो। तो इसके लिए हम DBMS के फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम डेटाबेस का मेंटेनेंस कर सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी ना लिखो तो यहाँ पर से नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर देना। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो भी एक तरीके की ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है, जैसे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स वगैरह बना दिया, फॉर्म वन, फॉर्म सेकेंड, फॉर्म थर्ड, इस तरीके से हमने अलग अलग फॉर्म बना दिए आपने, या वैलिडेशन लगा दिया। वैलिडेशन के फीचर से भी क्या होता है कि जो भी हमारा डुप्लीकेट डेटा होता है रेड कलर से मार्क हो जाता है, शो होने लगता है। तो यही चीज़ बताई गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब कि हमारा जो डेटा होना चाहिए सेम होना चाहिए हर जगह पर। अब मान लो कि हम सपोज़ एक आप एग्जांपल लो यहाँ पर कि आपका जो डेटा है, सपोज़ दैट कि हम क्या करते हैं कि कभी भी हम ऑनलाइन तरीके से हमने अपने कपड़ों वगैरह को ख़रीदा ही होगा, आप लोगों ने भी ख़रीदा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने एड्रेस को अगर चेंज करते हैं, अगर हम अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो उस एड्रेस के चेंज होने से क्या होता है कि तुरंत जहाँ पर भी हमारा जो भी हर जगह सेम हमारा एड्रेस क्या हो जाता है, तुरंत इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। तो यानी वो क्या है कि चेंज हमने किया, एक ही जगह किया, हमने अपनी प्रोफाइल में अपना एड्रेस चेंज किया, बट उससे क्या हुआ कि जो भी यूज़ कर रहा है, जो भी डिलीवर करने वाला, जो भी सेल्स पर्सन है, वो भी, उसको भी पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का जो भी नया एड्रेस ये हो गया है, ठीक है, उसका एड्रेस बदल चुका है, उसको वहाँ पर डिलीवरी नहीं करवानी, उसको दूसरी जगह पर डिलीवरी करवानी है, इस तरीके से पता लगा सकता है। यानी कि डेटा कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि सेम आपका जो डेटा होना चाहिए सेम अक्रॉस ऑल सिस्टम, यानी कि सभी सिस्टम में आपका डेटा सेम होना चाहिए। तो इट रिफर्स द एक्यूरेट रिलायबल एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपका डेटा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एक्यूरेट रिलायबल कंप्लीटनेस होना चाहिए। सो इसमें यहां पर बताया गया कि इन सिंपल टर्म जो डेटा कंसिस्टेंसी होती है उसका मतलब ही यही होता है कि इफ अ डेटा आइटम इज अपडेटेड और मॉडिफाइड, कि अगर मान लो कि हमने कहीं पर भी डेटा को अपडेट किया, मॉडिफाई किया, लेट्स से कि हमने अपनी प्रोफाइल में ही अपना एड्रेस चेंज किया, एक जगह पर हमने चेंज किया, तो दूसरी जगह अपने मन से ऑटोमेटिक तरीके से वो नया जो भी चेंज होगा, जो भी अपडेटेड होगा, अपडेट होगी, वो नया तरीके से इमीडिएटली शो होने लगी। यहीं पर यहाँ पर वही एग्जांपल बताया गया कि लेट्स से कि अगर आप किसी ऑनलाइन आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे, तो अगर आप अपना एड्रेस जो है, अगर आपने अपना एड्रेस अपनी प्रोफाइल पे जैसे ही चेंज किया, तो आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो नए पते पर आएंगे, जहाँ पर भी जो भी आपने नया एड्रेस आपने लिखा होगा उस जगह पर आपके नए एड्रेस आएंगे, आपके कस्टमर की प्रोफाइल भी आपकी अपडेट हो जाएगी, और फ्लिपकार्ट अमेजोन पर जहाँ पर से भी जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो उस नई जगह पर आएंगे, ठीक है, रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो ये हो गया डेटा कंसिस्टेंसी। अब इसको बनाए रखने के लिए, डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, हम डेटा को वैलिडेशन कर सकते हैं, हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, डेटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। डेटा नॉर्मलाइजेशन का सिंपल ही मतलब, जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मलाइजेशन एक तरीके की ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, यही मतलब हो गया, ठीक है, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करना। अब देखो यहाँ पर डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हो, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
तो यहाँ पर देखो जो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सिंपली मतलब है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस डेटा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डेटा होता है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना, इज जस्ट नोन एज कि डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, उसी का एडमिनिस्ट्रेशन, उसको प्रॉपर मैनेज करना। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, प्रॉपर तरीके से डेटा को मैनेज करना, देखना सही तरीके सारा डेटा मैनेज है कि नहीं, ये सभी चीज़ें जो भी एक मैनेजर होता है उसके काम होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस डेटा, यही इसका मेनली आप इसकी मेन डिफिनेशन मान लो। एंड इट सिंपली मीन्स कि इट इंश्योर्स, यानी कि जो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट है, सिक्योर है, अवेलेबल है, जब भी आपको समय पर जरूरत पड़े तब आपका डेटा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। सो इसमें क्या है कि डेटा कंसिस्टेंसी, यानी डेटा सेम होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करना चाहिए, और बिजनेस प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो यही हो गया डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की सिंपल सी डिफिनेशन, इसको याद करिएगा, कोई इसमें बड़ी खास बात नहीं है। और यहीं पर बताया गया कि इसके क्या गोल्स हैं, तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, गवर्नमेंस एंड लाइफ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट, तो यही सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, यहाँ पर देखो जो एक डायग्राम बताया गया है, डायग्राम में क्या है कि मान लो जस्ट सपोज कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, एक HR डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग है, एक फिनेंस है, एक क्वालिटी है, एक मेंटेनेंस है, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपने उनका एक अलग अलग डेटा का सोर्स होता है, डेटा का एक अलग स्टोर होता है, वो अपने अपने एक अलग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब अपने अपने एक अलग अलग सिस्टम का यूज़ करेंगे, मान लो HR वाला ये कर रहा है, मार्केटिंग वाला के अलग सिस्टम है, और फिनेंस वाले का अलग सिस्टम है। तो अब ये जो सभी चीज़ें होती हैं यहाँ पर ETL का ध्यान रखिएगा, ETL का क्या मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर ये होता है ETL का यूज़ होता है। ETL क्या करता है कि जो भी सभी डेटा हैं, जो भी अलग अलग तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी डेटा है उन सभी का इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करके डेटा वेयर हाउस, जहाँ पर वेयर हाउस का सिंपली मतलब होता है कि गोडाउन है ना, जहाँ पर सिर्फ बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज पड़ा होता है। जैसे हमारे घर में भी क्या होता है, वेस्ट जो भी हमारा एक गोदाम होता है जिसके अंदर हम कि एक स्टोर होता है, एक स्टोर रूम होता है जिसमें हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जहाँ पर से जो भी हमारी जो भी बार बार यूज़ नहीं, फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती चीज़ों को, कभी कदार यूज़ होनी है, होली दिवाली पे कुछ नया बर्तन है निकाले गए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हमारे स्टोर रूम के अंदर सेव करके हम उनको रख देते हैं। तो उसी तरीके से डेटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि डेटा वेयर हाउस में हम अपना हमारा जो भी डेटा होता है, अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का डेटा ETL प्रोसेस के थ्रू डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है। और उस स्टोर होने के बाद में क्या होता है कि जब भी किसी भी यूज़र को देखना होता है, उसको पास्ट हिस्ट्री चेक करनी होती है, सभी चीज़ें चेक करनी, तो वो देख सकता है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर सकता है, और बिजनेस इंटेलिजेंस में और डिसीजन मेकिंग में उसकी प्रॉपर हेल्प ले सकता है। तो डेटा वेयर हाउसिंग का सिंपली मतलब यही हो गया कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यानी कि कलेक्ट करो डेटा को, स्टोर करो, ऑर्गेनाइज करो, और मल्टीपल सोर्सेज के अलग अलग तरीके के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने देखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, HR, फिनेंस, मार्केटिंग है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए, और उन सभी से सभी के थ्रू डेटा को लेना और लेकर के एक जगह एक बार इकट्ठा करना, जिससे कि हम उसकी आगे बिजनेस इंटेलिजेंस में, डिसीजन मेकिंग में, रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प ले सकें। तो यही क्या हो गया कि डेटा वेयर हाउसिंग, ये आप नाम ध्यान रखना। और यहाँ पर इसका एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि कंपनी कलेक्ट डेटा फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स, फिनेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इस तरीके से जो भी एक इस तरीके से जो डेटा वेयर हाउस के अंदर पूरा सभी लोगों का डेटा इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद में जब भी उनको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जब भी उनको रिपोर्ट तैयार करना होता है, तो वो उस डेटा वेयर हाउस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यही इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लेना, इसको बना देना जा करके, करेक्टरिस्टिक्स आप कर ही लोगे। ठीक है, अब इसके यूज़ भी वही है कि कर लोगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि डेटा माइनिंग। यहाँ पर डेटा माइनिंग का क्या मतलब हो गया, जैसे हम देखते हैं तो माइनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे जब भी हमको सोना निकालना होता है, या कहीं से आप देखते होगे, आपने अपने केमिस्ट्री वगैरह में कहाँ ये सब पढ़ा होगा कि माइनिंग वगैरह कि खुदाई करो, और खुदाई करके जब भी सोना निकालना हो, कोई भी मेटल निकालना हो, तो उसको आप निकालते हो, खुदाई करते हो। तो माइनिंग का क्या मतलब हो गया कि खुदाई करो और साथ में खनन करो उसका, मतलब उसको निकालो कहीं से। तो डेटा माइनिंग का मतलब वही हो गया कि जैसे यहाँ पर बताया गया है
कि डेटा जो माइनिंग का मतलब होता है कि डेटा तो बहुत सारा इकट्ठा होता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा था डायग्राम के अंदर डेटा क्या होगा, डेटा वेयर हाउस में डेटा बहुत सारा इकट्ठा है। बट अब हम डेटा माइनिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो भी डेटा अलग अलग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि अमेजोन में क्या है कि बहुत सारा सामान पड़ा होता है, बहुत सारा चीज़ें पड़ी हैं अमेजोन के अंदर, कितने सारे सभी चीज़ों को आप देख सकते हो, ले सकते हो, ख़रीद सकते हो, तो उसके अंदर क्या है बहुत सारी चीज़ें क्या हैं सेल करने के लिए पड़ी हुई हैं। तो अब आपको जो भी चाहिए होता है, मान लो कि हमको फ़ोन चाहिए, तो हम फ़ोन के हिसाब से क्या करते हैं कि फ़ोन का एक फ़िल्टर लगाते हैं कि स्मार्टफोन्स इतने रेंज के अंडर चाहिए, ये MI के फ़ोन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो ऐसे ऐसे फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो वो जो भी अमेजोन होता है वो माइनिंग करके उस डेटा को क्या करता है, माइनिंग करता है, और माइनिंग करके आपको वही एक्चुअल में डेटा जो आपको चाहिए होता है वही आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि आपको चाहिए फ़ोन वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर के आ रहा, कपड़े जूते चप्पल सारी चीज़ें लेकर के आ रहा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो डेटा माइनिंग का क्या मतलब, डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट, यानी कि बहुत सारा डेटा सेट होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट होता है, उसके अंदर से पैटर्न्स को डिस्कवर करना कि एक्चुअल में जो यूज़र है वो क्या देखना चाह रहा है, उसको क्या देखना है, ठीक है। तो यही क्या हो गया डेटा माइनिंग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा माइनिंग, माइनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट, यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हो आप क्या करते हो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, खोद करके निकालते हो, कहाँ से, लार्ज डेटा सेट से, बहुत ज़्यादा डेटा सेट पड़ा होता है और आप क्या करते हो उसको निकालते हो। सपोज दैट कि अगर हमको कोई भी फोटो चाहिए कहीं से भी, मान लो हमको कोई फोटो चाहिए, तो आप हमारे फ़ोन में बहुत सारी फोटोएँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारी, अब हम उसको क्या करते हैं देखते रहते हैं, तो इससे हमारा क्या टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है ना। बट अगर हमने उसी को एक फ़ोटो में कहीं पर भी नेम उसका एक अलग से सेव कर दिया, उसमें रीनेम जा करके हमने नेम उसका एक दे दिया, कोई भी इमेज का नेम दे दिया, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट सर्च बॉक्स में जाएंगे, उसका नेम डाल देंगे, और नेम के थ्रू जैसे हम नेम डाल देंगे वैसे हमारे पास में PDF जो भी फोटो वगैरह होगी वो आ जाएगी। तो ये क्या हो गया कि डेटा माइनिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई, एक अमेजोन का ही एग्जांपल है कि स्मार्टफोन्स का ही एग्जांपल है, जैसे जो मैंने दिया कि स्मार्ट जो भी अमेजोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं सेल होने के लिए, बट एक जो यूज़र है उसको चाहिए स्मार्टफोन MI का अंडर 20,000 इस तरीके से चाहिए, तो उसने क्या किया, वो सारे फ़िल्टर्स का यूज़ किया, और अमेजोन ने क्या किया वो सारी चीज़ों को उन सारे फ़िल्टर्स का यूज़ करके उन वही फ़ोन्स को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं स्मार्टफोन्स को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया जिसको एक्चुअल में यूज़र चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो प्रोसेस इसका यही है। प्रोसेस क्या हो गया दोस्तों, सेगमेंट करना, हिडन पैटर्न्स को देखना एंड उसके बाद में रिकमेंडेशन करना, इसके आप प्रोसेस को ध्यान रखना, टेक्निक्स वगैरह की बात बहुत ज़्यादा थोड़ा डीप में चली जाएगी, ठीक है। तो इतना अभी नहीं, फिलहाल यहाँ पर देख लो, टेक्निक्स में कुछ है नहीं खास, टाइम सीरीज एनालिसिस डिसीजन ट्री इन सभी को यूज़ करते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, PDF वगैरह ले सकते हो आकर के व्हाट्सअप पे, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या मतलब हो गया BI, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में BI से डिनोट कर सकते हो। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके डिसीजंस होते हैं, जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो, तो जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमको क्या होता है कि एक तरीके की इंटेलिजेंस लेवल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंस लेवल किसके पास में होती है, ह्यूमंस के पास में होती है। लेकिन अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस, ये एक तरीके का ऐसा टूल होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे AI वैसे BI, ठीक है। BI क्या है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, जो भी हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस है उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारी हेल्प करता है कि हम कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए। तो इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ डेटा एनालिसिस टूल्स, यानी डेटा को एनालाइज करना, प्रॉपर टूल्स डेटा को एनालाइज करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, उसके बाद में वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, जो ऐसी चीज़ों को देखना जिसके बेसिस पे हम एक्शन ले सकते हो, वैल्यूएबल इंसाइट्स ले सकते हो। तो बिजनेस इंटेलिजेंस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, यानी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से कंपिटिटिव एडवांटेज को क्या हम कैसा काम करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे हम यूनिक बने मार्केट के अंदर, इन सभी चीज़ों में बिजनेस इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। जैसे AI भी हमारी हेल्प करता है, हमको कुछ भी क्रिएट करना हो, कुछ भी लिखना हो ईमेल वगैरह को, तो वैसे AI जैसे हमारी हेल्प करता है, वैसे BI भी हमारी हेल्प करता है। BI क्या है कि बिजनेस इंटेलिजेंस का एक टूल है जो कि नॉर्मली बिजनेसेस में यूज़ करते हैं लोग,
सो दैट कि उनका जो भी बिज़नेस हो वो दूसरे लोगों की अपेक्षा कॉम्पिटिटिव यूनिक हो, थोड़ा सा अलग हो, और अलग से तरीके के डिसीजंस लेने के लिए BI बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जो भी होता है कि एनालाइज किया जाता है कि पास्ट में क्या चला, पास्ट के अकॉर्डिंग जो भी होता है उस सभी चीज़ों को एनालाइज करना, उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करके उसको देखना, तैयार करके उसको देना, और फिर आगे की डिसीजन मेकिंग प्लानिंग वगैरह को करना, यही सारी चीज़ें होती है बिजनेस इंटेलिजेंस में। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ये कंपोनेंट्स हो गए, इसके बाद में कंपोनेंट्स छोड़ो, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बेनिफिट्स इसके बहुत सारा हो गए, BI के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो गए। इससे हम आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, क्वालिटी को और एक्यूरेसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि बिजनेस इंटेलिजेंस का सोर्स क्या है, मान लो कि डेटा सोर्स है। यहाँ पर डेटा सोर्स का क्या मतलब हो कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा है ना कि ETL क्या करता है, ETL की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, जो भी हमारे पास में जो भी डेटा इकट्ठा है, अलग अलग डेटा सोर्स है, मान लो कि ये HR डिपार्टमेंट का है, ये फाइनेंस का है, ये मार्केटिंग का है, इसकी हेल्प से जो ETL है वो क्या करेगा, सभी लोगों को ट्रांसफॉर्म करेगा, एक में मर्ज करेगा डेटा। उसके बाद में OLAP, यहाँ पर OLAP डेटा मीनिंग, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे OLAP क्या होता है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में OLAP डेटा मीनिंग करते हैं, उसके बाद में हम रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं और उसी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस जो भी प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, मेनली डिसीजन मेकिंग को ही याद रखते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए सो OLAP, अब देखो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, ये क्या होता है प्रोसेसिंग, इसका ये फुल फॉर्म होता है OLAP। ठीक है, OLAP क्या होगा दोस्तों, इसको हम बताते हैं थोड़ा सा। OLAP का सिंपली मतलब हो गया कि जब भी हमको कोई भी फिल्टर के तौर पे जब भी कोई चीज़ सर्च करनी होती है, जैसे आप देखो कि आपको भी जैसे आप naukri.com पे जाओ या फिर linkedin वगैरह पे जाओ, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके सामने फिल्टर्स होते हैं, आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको कौन सी सिटी में चाहिए, कितना आपके आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए चाहिए या फिर एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, कितना आपको कि आप कि पेमेंट कितनी है, आपको कितना तक की रेंज, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, सैलरी एक्सपेक्टेशन, इन सभी का आप फिल्टर लगाते हो, उसके बाद में आपके सामने तुरंत जो भी जॉब्स निकल करके आती है वो आपकी फ़िल्टर के अकॉर्डिंग निकल करके आती है। तो OLAP का क्या मतलब हुआ कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें फ़िल्टर्स का, अलग अलग फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं मेनली। देखो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई कि मल्टी डायमेंशनल, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई हमको रिपोर्ट दिखाओ, सेल्स की रिपोर्ट दिखाओ, तो ठीक है, इसमें हमारे को कुछ भी नहीं हुआ कि सेल्स की हमने रिपोर्ट मांगी कि चलो ठीक है, सेल्स की रिपोर्ट हमारे सामने जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे सामने दिखा देगा। ठीक है, बट जैसे हम अपने एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे आपका जो फ़ोन है, ठीक है, हमने उसमें क्या किया, फोन जो भी वहाँ पर से फ़ोटोज़ हैं या फिर सॉन्ग्स हैं, ठीक है, उसमें हमने जितने भी म्यूज़िक है, म्यूज़िक का जैसे ऐप, जैसे ही म्यूज़िक का ऐप ऑन किया, उसमें हमारे पास में जितने भी मोबाइल के अंदर जितने भी म्यूज़िक के जितने भी वो भरे हुए हैं, जितने भी गाने हैं, वो सारे क्या होते हैं कि आ जाते हैं हमारे सामने, लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, बट अगर हम उसी में फ़िल्टर लगा दें, उसमें अगर हम फ़िल्टर लगा दें कि सैड सॉन्ग की जो हमने अलग से लाइब्रेरी, एक अलग से एल्बम बनाया हुआ है, वो दिखाई पड़े, या उसमें मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि हम एक अलग फ़िल्टर्स का यूज़ करें कि हमको ये वाला गाना चाहिए, इस तरीके के गाने चाहिए, सैड सॉन्ग्स चाहिए, हमको अच्छे खुश वाले सॉन्ग चाहिए, इस तरीके से जब अभी हम दिखाते हैं तो वो क्या हो गया कि OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, यानी कि वो क्या हो गया कि हमारे अलग अलग फिल्टर्स के थ्रू हमको क्या देता है, रिजल्ट्स देता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि जैसे अगर हम किसी भी, हमको सेल्स का डेटा चाहिए, तो अगर हमने सेल्स डाला, सेल्स की रिपोर्ट डाली, तो हमारे पास में रिपोर्ट आ जाती है। बट अगर हमको एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए जिसमें हम फिल्टर्स के, जैसे दिल्ली भी डाला, दिल्ली का डेटा चाहिए, मई का चाहिए, 2016 का चाहिए, सेल्स का डेटा दिखाओ, तो हमारे सामने ये सभी फिल्टर्स का यूज़ किया, हमने यहाँ पर ये सभी फिल्टर्स का यूज़ किया, और इसी के बेसिस पे, इन सभी फिल्टर्स के बेसिस पे हमारे सामने क्या होगा, हमारे सामने जो भी रिजल्ट्स आएंगे इन सभी फ़िल्टर्स के ही तौर पे आएंगे। नहीं तो अगर हम केवल सेल्स की रिपोर्ट मांगते तो सेल्स की रिपोर्ट ही आ जाती। तो ये यहाँ पर बताया गया OLAP के बारे में। ठीक है, उसके बाद में इसको हटाते हैं, अब आता है जो आपका मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ SQL। SQL का दोस्तों फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका आप ध्यान रख लीजिएगा और इसको आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके की लैंग्वेज होती है, ये कोई भी टूल नहीं होता है, ये एक लैंग्वेज होती है जो कि हमारी हेल्प करती है। जस्ट सपोज दैट कि हम क्या करते हैं,
सपोज दैट कि हम किसी कपड़े की दुकान में गए, यहाँ मान लो कि किसी कपड़े की दुकान में गए, और कपड़े की दुकान में जाकर के हमने क्या किया, हम जो कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में अलग अलग तरीके के क्लोथ्स टंगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके के, इधर वुमेन्स के अलग हैं, मेंस के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, तो ये सभी क्या है कि ये क्या हो गया, हमारा डेटाबेस, यानी कि इसमें डेटा हो गया, जो पूरी दुकान हो गई वो क्या हो गया कि डेटा है, उसके अंदर कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं, ठीक है। अब हम उसके अंदर और गए, तो हमने यहाँ पर से क्या देखा कि अलग अलग दो में, यहाँ पर मेंस के हैं, यहाँ पर वुमेन्स के हैं, यहाँ पर बच्चों के हैं, तो ये क्या हो गया कि अलग अलग टेबल्स हो गए, ठीक है, अलग अलग टेबल्स हो गया। और एक हमारा होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक जो होता है वो हमारी सेल्स में हेल्प करता है, बार बार आकर के पूछता है तुमको क्या चाहिए, तुमको किस तरीके की शर्ट चाहिए, तो हम उससे क्या बोलते हैं कि भैया हमको इस तरीके की शर्ट चाहिए, हम उससे जिस भी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, जो भी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कुछ भी नहीं समझता है, उसको केवल SQL लैंग्वेज समझ में आती है। SQL का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसको समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो SQL है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट, यानी कि इस लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड मैनेज डेटाबेस, जो भी हमारा डेटाबेस है उसको मैनेज कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इट इनेबल्स यूजर टू परफॉर्म टास्क सच एज क्वेरिंग, जो भी आपके सवाल होते हैं वो, जैसे आप पूछते हो ना कि भैया हमको ये वाली शर्ट चाहिए, वो कितने रेंज की है, इस तरीके से क्वेरी, जो भी आपके सवाल होते हैं उसके आंसर देती है लैंग्वेज, एंड इंसर्टिंग, अपडेटिंग, आपको अपडेट करती है, और डिलीटिंग डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो यही हो गया आपकी SQL लैंग्वेज, इसका वही छोटा एग्जांपल, जैसे मान लो कि हम किसी कपड़े के स्टोर में गए और वो क्या हो गया कि लाइक अ डेटाबेस, कपड़े के जो स्टोर के अंदर गए उसके अंदर बहुत सारे कपड़े हो गए, वो क्या हो गया कि डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग सेपरेट सेक्शंस होंगे, इसमें मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है, तो वो क्या होगा कि डेटा टेबल्स हो गया, वो क्या हो गया डेटा टेबल्स हो गया, जो कपड़े की दुकान है वो क्या हो गया डेटाबेस, एंड जो उसके अंदर अलग अलग रोज बने हुए, कॉलम्स बने हुए, अलग अलग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मेल्स का इधर, फीमेल्स का, वो क्या हो गया कि डेटा टेबल्स हो गया, डेटा टेबल्स विथ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। और उसके बाद में वहां पर क्या है कि एक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि When you want to buy a specific shirt, you communicate with a sales assistant. एक यानी कि एक सेल्स असिस्टेंट होता है जो कि आपकी मदद करता है, आप उससे कम्युनिकेट करते हो, who acts like a SQL language. वो किस तरीके से एक्ट करता है, SQL लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है आपसे, ठीक है। वो जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, यू टेल दैम वॉट एट्रीब्यूट्स यू वॉन्ट इन द शर्ट, लाइक कि आपको किस तरीके की शर्ट चाहिए, ब्लू शर्ट चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, आपको शॉर्ट में शर्ट चाहिए, किस तरीके की शर्ट चाहिए, वो उस तरीके की लैंग्वेज यानी SQL लैंग्वेज को समझता है, एंड द सेल्स असिस्टेंट्स देन फेच द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्च, और उसी के बेसिस पे आपकी भाषा को समझ करके, SQL लैंग्वेज को समझ करके, आपकी जितने भी जो भी आपकी डिमांड होती है उसके हिसाब से आपको शर्ट दिखाता है, प्रोवाइड करता है। तो ये एक छोटा एग्जांपल हो गया कि SQL लैंग्वेज को और बेटर समझने के लिए। अब यहाँ पर बताया गया कि यूज़ ऑफ SQL, बट यहाँ पर देखो SQL के कमांड्स, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना, SQL के जो कमांड्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता भी है, तो इसके कमांड्स जो भी हैं, DDL, DML, DCL, DTCL, DQL, ठीक है, इस तरीके से आप सभी के नाम यहाँ पर फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। DDL का मतलब हो गया डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, एंड इसके बाद में DML का क्या मतलब हो गया, DML का मतलब हो गया डेटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज, और इसके बाद में यहाँ पर देखो डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL, ठीक है, और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि आपको प्रॉपर क्या करना है दोस्तों, यही हमारा लास्ट टॉपिक था, और ये इस लास्ट टॉपिक के अंदर हमारा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बिजनेस रिसर्च यानी BRM की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई, ये जो चार्ट बना हुआ है, आप इसके फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे ही हुए हैं, आप इसको ध्यान रख लेना, एक कॉपी पेन ले करके बैठ जाओ, और इनके जो भी फुल फॉर्म है उसको ध्यान रख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा बस इनके जो यहाँ पर पाँच तरीके के जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सभी जो भी हैं इसको आप ध्यान रख लो, बस अभी इसको आप बिना सोचे, ठीक है, इसको जो SQL के जितने भी कमांड्स हैं इसको आप ऐसे ध्यान रख लो, और जो मेन SQL का जो मतलब होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि SQL क्या होती है, एक तरीके की लैंग्वेज होती है जिससे आप क्या कर सकते हो कि कम्युनिकेट कर सकते हो डेटाबेस से, ठीक है। तो ये हो गया SQL, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमारा यूनिट 3 खत्म हो चुका है तो बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा फास्ट इसमें रिवीजन किया है, और बहुत सारा यू नो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्टफ भरने की
जाए, आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट अच्छे से आप क्लियर करके जाओ, उनको ही लिखो जाकर के, क्योंकि आपके जो भी केस स्टडीज़ वगैरह भी आती है, ठीक है, केस स्टडी के अंदर आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आपकी चॉइस दिया जाता है, चॉइस का मतलब कि ये क्वेश्चन करो या फिर ये क्वेश्चन करो, तो आप भले ही 5 क्वेश्चन करके जाओ, 10 ना करके जाओ, 5 क्वेश्चन करो, लेकिन अच्छे से करके जाओ, कि जैसे ही वो आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर लो, ठीक है, और मैं आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े तो, और वो तो बात अलग है कि ये आपकी अच्छी है, एक तरीके का अलाउंस आपको दिया जाता है कि और करके, कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी आपका एसक्यूएल से पूछा जाएगा, अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उसी के साथ में आपकी थ्योरी वगैरह भी दे दी जाएगी, तो आप थ्योरी उसकी लिख लेना एसक्यूएल की, ठीक है। सो यही था दोस्तों यूनिट 3 के ऊपर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने सारी चीज़ों को एंजॉय किया है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BRM यूनिट 1 के साथ में, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो भी बिजनेस रिसर्च यहाँ पर जो BRM है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, वेट अ मिनट, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, कि जो भी BRM है उसका मैं क्या करूं, कि एक ही वीडियो को अपलोड करूं जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, या फिर यूनिट वाइज अपलोड करूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, PPT वगैरह को बनाऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग यूनिट 3 के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है, MIS के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आया उसको भी लाइक करिए, थैंक यू वंस अगैन।